मौसम खबर के सह प्रायोजक है रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। भारत के कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बरसात, कल तक कर्नाटक और केरल में भी कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद। दो दिन दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य और पूर्वी मध्य अरब सागर में चलेंगी तेज हवाएं, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। मध्य महाराष्ट्र में खरीफ धान की नर्सरी लगाते रहें किसान, तो विदर्भ में खरीफ फसलों की बुआई के लिए खेतों की जुताई करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको कैसी है मॉनसून की चाल, कहां बरसेंगे बादल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मॉनसून के लिए करना होगा इंतजार। इन इलाकों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अभी अनुकूल नहीं हैं। दो दिन बिहार में तो कल झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है। वहीं दो दिन असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश का अनुमान है। मंगलवार को ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश की संभावना बनी हुई है। कल कोंकण और गोवा में एक दो जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। दो दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं कल तटीय कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मंगलवार को अंडमान निकोबार में कुछ जगह भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं कल राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जाना आपने कि आगे आने वाले दो दिनों की हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास गतिविधियां रह सकती हैं मौसम के हाल में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पर मौसम पूर्वानुमान की और जानते हैं कि आगे आने वाले दो दिनों के दौरान देश में कहाँ बादल बरस सकते हैं और कहाँ मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले दो दिन कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। हालांकि दो दिन पंजाब में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है, जबकि हरियाणा और दिल्ली में कल कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो दिन कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कल एक दो जगहों पर बारिश हो सकती है। पूर्वी राज्यों में बिहार और झारखंड में कल अधिकतर जगह तो मंगलवार को अनेक इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं ओडिशा में भी दो दिन कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा गांगे और उपमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में अगले दो दिन झमाझम बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहां के सभी राज्यों में अगले दो दिन अच्छी बारिश हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले दो दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़ में कल अनेक जगह बारिश के आसार हैं। इसके अलावा गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में दो दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में दो दिन कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीद है। वहीं कोंकण और गोवा में दो दिन अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहां तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। तटीय कर्नाटक में दो दिन अधिकतर जगह बारिश की उम्मीद है, जबकि उत्तरी आंध्र कर्नाटक में दो दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है।
इसके अलावा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक समेत केरल में अगले दो दिनों के दौरान अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। तो ये था मौसम पूर्वानुमान। जाना आपने बरसात का हाल आगे आने वाले दो दिनों के दौरान किस प्रकार बना रह सकता है देश के अलग अलग हिस्सों में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो देश में कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं दर्ज की गईं। उत्तराखंड में अधिकतर जगह तो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक दो जगहों पर बारिश दर्ज हुई। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं पानी बरसा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जगहों पर तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर जगह बारिश दर्ज हुई। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के अधिकतर इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ज्यादातर जगह बारिश हुई। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी कई जगह तो ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। वहीं गुजरात के ज्यादातर इलाकों में भी बारिश हुई। विदर्भ में अनेक जगह तो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भी बादल बरसे। कोंकण और गोवा के अधिकतर हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक समेत केरल में ज्यादातर जगह बादल बरसे। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अनेक जगहों पर बारिश दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ जगहों पर बारिश दर्ज हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। तो ये था पिछले 24 घंटों के दौरान का मौसम का हाल। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पर तापमान के हाल की। और सबसे पहले जानकारी देंगे हम आपको अधिकतम तापमान के हाल की। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अनेक जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। झारखंड में ज्यादातर जगह तो बिहार और पश्चिम बंगाल में कई जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अनेक इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के अधिकतर इलाकों में तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। देश में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज किया गया। यहां अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस रहा। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान का जो हाल है वो किस प्रकार दर्ज किया गया। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति की। ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। तेलंगाना के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवान में दर्ज हुआ। यहां तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ये था न्यूनतम तापमान का हाल। जाना आपने अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो किस प्रकार दर्ज की गई। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर।
लगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिली एग्रोप्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रोमोर ग्रोप्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण जिससे न केवल आपको बंपर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। टूटेगी तो ना यो। यो है रिलैक्सो। रिलैक्सो मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की, और खेती किसानी में भी खास तौर पर हम आपको बता दें कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए किस तरह के कृषि कार्य आपके लिए अपने खेतों में करना सही रहेगा इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। कई जगहों पर पानी बरस रहा है, कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल रही हैं, ऐसे में सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हो जाती है। तो महाराष्ट्र और साथ ही साथ सौराष्ट्र और कच्छ के लिए हमारे किसानों के लिए किस तरह की सलाह दी जा रही है हमारे विशेषज्ञों द्वारा, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले में जहां धान 21 से 25 दिनों की हो चुकी है वहां किसान उनकी रोपाई कर लें, इसके साथ ही खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल दें, यही समय बाजरे की नर्सरी लगाने का काम पूरा करें। कोंकण में ही किसान मूंगफली की बुआई के लिए खेतों की जुताई करें, यही समय मिर्च बैंगन टमाटर भिंडी खीरा करेला चिचिंडा और तोरी जैसी सब्जियों की बुआई भी कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र में इस समय खरीफ धान की नर्सरी लगाते रहें। इसके साथ ही यहां कपास सोयाबीन अरहर मूंगफली बाजरा मूंग उड़द और मक्का जैसी खरीफ फसलों की बुआई के लिए प्रारंभिक जुताई करें, साथ ही किसी प्रमाणित स्रोत से बीज प्राप्त करें। मध्य महाराष्ट्र में ही इस समय किसान ज्वार मक्का और संकर नेपियर घास जैसी चारा फसलों की बुआई करें। मराठवाड़ा के किसान इस समय ज्वार बाजरा कपास अरहर मूंग उड़द मूंगफली और मक्का जैसी खरीफ फसलों की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहां गन्ने के अलावा अनार और चीकू के बागों में निराई का काम करें। इसके अलावा मराठवाड़ा में भिंडी करेला तोरी और कद्दू जैसी सब्जियों की बुआई किसान कर सकते हैं। तो जाना आपने महाराष्ट्र के साथ साथ सौराष्ट्र और कच्छ में हमारे जो किसान हैं वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह के प्रबंधन कार्य कर सकते हैं ताकि आगे चलकर वो अच्छी उपज हासिल कर सके। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की, और आज की फसल में हम आपको जानकारी देंगे बैंगन की खेती के बारे में। बैंगन की खेती अगर सावधानी पूर्वक की जाए तो अच्छी आमदनी दिलवा सकती है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हमें इसकी उन्नत किस्म की जानकारी हो, प्रबंधन कार्यों की जानकारी हो, सिंचाई कब करनी है, किस तरह से देखभाल करनी है। अगर ये बातें पता हो तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन हासिल किया जा सकता है। तो किस तरह से आप बैंगन की खेती कर सकते हैं, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात ये है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रोपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। जहां तक सिंचाई की बात है तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। सर्दियों के बाद चूंकि ज्यादा पानी की जरूरत होती है इसलिए आगे चलकर नियमित अंतराल पर इसकी सिंचाई करनी होगी।
खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों का खतरा रहता है, इससे बचाव के लिए किसान दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो अभी आपने जाना बैंगन की अच्छी उपज हासिल करने के लिए किस तरह की तैयारियां आपको करने की जरूरत है, किस तरह के देखभाल कार्य आपको करने की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं आगे, मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। पश्चिमी पंजाब में किसान धान की नर्सरी लगाने का काम पूरा करें, साथ ही यहाँ किसान कपास की बुआई भी कर सकते हैं। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाके में किसान बासमती धान की नर्सरी लगाएं, साथ ही यहाँ मैदानी इलाकों में किसान कपास की फसल को रोगों से जरूर बचाएं। पंजाब के असमतल मैदानी इलाके में मौसम को देखते हुए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। वहीं पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में बैंगन और टमाटर की फसल को कीटों से भी जरूर बचाएं। जबकि पंजाब के उप पर्वतीय इलाके में किसान बासमती धान की नर्सरी लगा सकते हैं। मध्य पंजाब के मैदानी हिस्सों में भी किसान धान की सीधी बुआई करें। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में ही किसान कपास की फसल को कीटों से अवश्य बचाएं। साथ ही यहीं सब्जियों में एक सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। सुनियो रे, एक बढ़िया सी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया ही वांट ये दे, रिलैक्सो टूटा की तो ना यो 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 है रिलैक्सो को मजबूत बेकार दो रिलैक्सो मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। पश्चिमी हरियाणा में किसान मिट्टी में नमी बनाए रखें, किसान यहां इस सप्ताह अरहर की बुआई कर सकते हैं। पश्चिमी हरियाणा में किसान अगेती फूलगोभी, टमाटर और मिर्च की नर्सरी लगा सकते हैं। वहीं पूर्वी हरियाणा में किसान धान और मिर्च की नर्सरी लगा लें। पूर्वी हरियाणा के किसान अरहर की भी बुवाई कर सकते हैं। पूर्वी हरियाणा में इस समय मिर्च में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। दिल्ली और उसके आसपास धान, मिर्च और बैंगन की नर्सरी किसान लगा सकते हैं। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में किसान भिंडी की फसल को कीट और रोगों से जरूर बचाएं। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। इन्हें जहन में रखते हुए आप खेती के कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत बना सकेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं यहाँ पर मौसम की अहम झलकियों पर, जान लेते हैं आगे आने वाले दो दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। हिमाचल और उत्तराखंड में कल कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह कल गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दो दिन बिहार और ओडिशा में तो कल झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मंगलवार को गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। कल असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। दो दिन पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। दो दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मंगलवार को तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं दो दिन दक्षिण पश्चिमी, पश्चिम मध्य और पूर्वी मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना है। फिलहाल मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की है।
तो इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको ज़रूर मदद मिल रही होगी और लगातार आपको जानकारी देते हैं हम कि आप मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। क्या करना है आपको, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करिए और किसी भी समय आप मौसम का हाल जान सकते हैं मौसम खबर के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।